इस न्यूज के प्रायोजक है। कोटा करियर हब बालाघाट, अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनसवा के जंगल में एक रोह का पा देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति को जंगल में एक बड़े अजगर ने पकड़ लिया और फिर पूरे शरीर में लिपट कर उसे घायल कर दिया। यह खास बात यह रही कि शरीर में लिपट कर लगातार अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे अजगर से व्यक्ति डरा नहीं और अजगर को लेकर वह गाँव की तरफ भागा, जिसने रास्ते में उसे एक युवक मिला जिसने उसकी जान बचाई और उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित शिव प्रसाद पिता स्वर्गीय रामलाल गाड़ेश्वर 55 वर्ष धनसुआ थाना भरवेली निवासी है, जो मजदूरी का काम करता है। सुबह करीब 10 बजे वह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले गया था। वहां पर उसका कछार भी है, जहां बकरियों को छोड़कर वह कछार में बनी झोपड़ियों में आराम कर रहा था। इसी दौरान 11 बजे एक बकरी की तेज चिल्लाने की आवाज़ आई तो मौके पर पहुंचकर देखा कि एक बड़ा अजगर सांप बकरी को पकड़ा हुआ था और उस पर लिपटकर उसे खाने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर राम प्रसाद ने बकरी को अजगर से छुड़ाने के लिए उसी दौरान अजगर ने उसके बाएं हाथ के पंजे के अंगूठे को पकड़ लिया और पूरे शरीर में लिपट गया। लिपटने के बाद अजगर उसे जकड़ने लगा, जिसे छुड़ाने का प्रयास करने पर भी वहां छूटा नहीं और अजगर अपनी जकड़ से उसे तेजी से दबोचने लगा। बताया जा रहा है कि अजगर लगातार शिवप्रसाद पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जहां लाख छुड़ाने का प्रयास करने पर भी अजगर ने शिवप्रसाद को नहीं छोड़ा, जिस पर अपनी जान बचाने के लिए शिवप्रसाद अजगर सांप के साथ ही गाँव की तरफ भागा। रास्ते में गाँव का ही एक युवक मिला जिसने लकड़ी बीच में फंसाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद उसने उक्त युवक की मदद से स्वयं को अजगर से छुड़ाया और इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिस पर उसके परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। वहीं इस मामले की सूचना अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया और मामले की अग्रिम विवेचना के लिए प्रकरण संबंधित थाना पुलिस को भिजवा दिया गया है।